स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का सिद्धांत क्या कहता है? गॉस की प्रमेय के अनुसार पहली बात तो किसी बद्ध पृष्ठ के लिए परिबद्ध माध्यम बाउंडेड एरिया क्लोज्ड एरिया, तो जो बाउंडेड सरफेस है किसी बद्ध पृष्ठ के लिए किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का, जितना भी चार्ज उस पृष्ठ पर होता है, संपूर्ण आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। गॉस की प्रमेय कहती है कि कोई बद्ध पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का समेशन क्यू, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कहती है गॉस की प्रमेय। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे हमने मान लिया कि कोई भी सरफेस है, क्लोज्ड है, किसी भी सरफेस को हमने मान लिया कि कोई भी सरफेस है किसी भी शेप में, और ये इसका पूरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्या है? पूरे का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा पृष्ठ काटा, ये इसका केंद्र है ओ, यहाँ पर पृष्ठ क्यू आवेश स्थित। अब जब हमने ये पृष्ठ काटा कि ये क्षेत्रफल वेक्टर, वेक्टर ई तो ये है और इससे ये डी ए वेक्टर हमने लिया, ये डी ए वेक्टर, और ऐसे हमने ये लिया, ये सतह, ये जो जो ये पृष्ठ है ये हमने काटा, ये डी ए है, और ये यहाँ पर एक सूक्ष्म घन कोण डी ओमेगा अंतरित करता है। एक हमने ए बद्ध पृष्ठ लिया जिसके सतह सरफेस पर एक डी ए वैक्टर लिया, और ये केंद्र ओ पर प्लस क्यू जहाँ पर स्थित है यहाँ डी ओमेगा घन कोण अंतरित करता है। इसके बीच का कोण हमने ले लिया थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है कि इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर वायु निर्वात दैट मीन के बराबर 1 हो, तो E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो R है, डिस्टेंस यहाँ से R है, तो Q अपॉन R स्क्वायर। इसे हमने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब इतने छोटे से भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वेक्टर E डॉट dA वेक्टर, तो कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल, मतलब पूरे बद्ध पृष्ठ का समाकल, और वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, इसे हम तोड़ेंगे ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब ई का मान समीकरण एक से जब हम यहाँ लिख देंगे आकर, तो ये आ जाएगा ई की वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। फाई ई, अब इधर देखें, फाई ई बराबर ये बाहर ले लिया क्यू अपॉन 4πε0 क्लोज इंटीग्रल डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब घनकोण की परिभाषा से क्या हो जाएगा? घनकोण की परिभाषा से, घनकोण की परिभाषा से डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा। अब डी ओमेगा इसकी वजह से यहां पर अंतरित घनकोण है, अगर इंटीग्रेशन लगा है मतलब पूरी पृष्ठ द्वारा अंतरित घनकोण कितना होगा? क्लोज्ड इंटीग्रल डी ओमेगा पूरे पृष्ठ द्वारा, यहाँ पर 4π, तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0
और ये हो गया 4π चला गया। यही कहती है गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर 1/ε0 और क्यू, मतलब गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बद्ध पृष्ठ पे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स वहां पर उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। थैंक्स, और अगले आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं।